16 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही डोर निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधती है, स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तुम अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है, तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के देखूं। गीत में कहते हैं, जीवन डोर तुमसे बांधी, जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात, कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए, कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें, तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही डोर निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है, वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, यह है रूहानी डोर, रूह ही श्रीमत लेती है, आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है, उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं, यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है, कल्प कल्प उनकी तो गिनती नहीं, बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है, हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी, अब शिव जयंती
मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा, यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया हुआ है कोटो में को आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियां आदि है, यह धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है, तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है यह नहीं जानते। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय तीन मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो। यह बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तुम इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी। विनाश का कार्य अंत में होना है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है, वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया और उनका संगत यह है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको पता नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं है। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था यह किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉडफादर कहे याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यह स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वह कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा सतयुग में नहीं, वहां तुम प्रलब्ध है। जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रलब्ध कहाँ से मिली। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं जिन्होंने
संकल्प पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है मोस्ट स्वीटेस्ट, झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर, हम भी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में तुम जरूर ब्राह्मण चाहिए। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे जब तक मनुष्य तन में न आए। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में यह बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। यह डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो देहत के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाएं चली गईं, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम यह चक्र कैसे लगाते हैं। इतने इतने जन्म लिए भगवान वाच हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सुदेवता बनेंगे। हमसो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। यह सब होना ड्रामा में नोंद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो ही पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की
दरकार क्या है तुमको, जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्राप दिया, यह बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया फिर गरीब क्यों बने, यह सब ड्रामा में नोंद है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले, तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो कब्रिस्तान है, 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है, मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं, योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल यानी मूर्ख बना दिया है, अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ, चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या है कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं, माया बोर बांधने नहीं देती, खींचा तान होती है। हम बाबा को याद करते हैं फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं, इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन युग मशहूर है। उन्होंने वर्षा किसने दिया यह कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ, यह तो बाप का काम है, इस समय सब नर्कवासी है, तुम खुश हो रहे हो, यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना है, बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो, मिठे बच्चे बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे, अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है, कहाँ यह दुख धाम कहाँ वह सुख धाम, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ, बाप का परिचय देना है, बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, एक की ही महिमा है, शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता, ड्रामा में सारी नोंद है, कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ, शिव की जयंती है, कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं, कुछ भी समझते नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए, दूर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं, वह बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं, यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ, तुमने
बुलाया है ही अविनाशी सर्जन, आओ आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है, बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा मिठे मिठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च बाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति।